हे हेलो, हाउ आर यू मेरे फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। मैं बहुत टाइम बाद फ्री फायर से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि यार मैं माइनक्राफ्ट के वीडियोस एंड बीजीएमआई के वीडियोस अपलोड कर रहा था एंड मैं फ्री फायर के वीडियोस क्यों छोड़ दिया अपलोड करना। एंड भाई बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग ये वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेरे को मालूम है आप में से बहुत से लोग ये टॉपिक के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ कि यार ये वीडियो को पूरा एंड तक देखो, तब जाके आप लोगों को मजा आएगा। एंड मैं सब मतलब जितना भी थ्रू थे कि यार फ्री फायर क्यों बैन हुआ है, मतलब बैन हुआ से रिलेटेड यार फ्री फायर के रीच क्यों रुक गए, फ्री फायर के वीडियोस देखना क्यों पसंद नहीं करते एंड फ्री फायर न्यू अपडेट्स भी लाते तो हमें उतना पसंद क्यों नहीं आता, तो सब टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आई होप आप सब ये वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे। यार मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब का कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। आप लोगों को वीडियो समझ में आए, वीडियो समझ लोगे यार तो आप खुद ही लाइक कर दोगे, मैं कन्फर्मली बोल रहा हूँ। क्योंकि ये वीडियो में मैं बात आप लोगों के यार बहुत से जो डाउट्स है वो आप लोगों के क्लियर करने वाला हूँ, जैसे कि यार फ्री फायर को बैन करने का रीज़न एंड बहुत सारे रीज़न, फ्री फायर मतलब फ्री फायर मैक्स का भी बैन होने का चांसेस है या नहीं, वो सब के ऊपर सब चीज़ के ऊपर हम टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे एंड फ्री फायर मैक्स का भी बैन होने का बहुत सारे चांसेस है, जो जो हम गलती कर रहे हैं तो मैं वो भी बताऊंगा कि हमें कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि आप में से बहुत से ओल्ड प्लेयर्स रह गए जो कि फ्री फायर खेलना छोड़ दिए। हाँ, मैंने खुद ऑब्वियसली छोड़ दिया है, क्योंकि यार मेरे को ना पर्सनली बोलो तो फ्री फायर अब 1% भी सही नहीं लगता है। अब मैं मेरे ओपिनियन से बोल रहा हूँ, आपका ओपिनियन अलग होगा एंड बहुत से जो न्यू प्लेयर्स आए हैं फ्री फायर में वो लोग अपने आप को यार बहुत प्रो समझते होंगे, इनको मालूम नहीं फ्री फायर की हिस्ट्री एंड ये अपने आप को ना मतलब हद से ज़्यादा प्रो समझने लगे एंड अनलिमिटेड टॉपअप आने की करते रहते हैं। मतलब यार मैं तुम्हें हमेशा हर वीडियो में बताता रहा हूँ कि यार टॉपअप मत मारा करो। बहुत से लोग ने मेरी ये बात सुन के यार टॉपअप कम कर दिया है एंड मतलब कम कर दिया मतलब टॉपअप मारते नहीं है। पर्सनली मैं अपना बताऊँ तो मैंने खुद अपने आईडी के पीछे करीबन करीब 10,000 से 20,000 के बीच में मैंने खर्चा किया है। हाँ सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे को करना पड़ा था, क्योंकि मैं यूट्यूब में आगे सक्सेस करना चाहता था, सोच रहा था कि फ्री फायर यूट्यूबर बन जाऊँगा, बट अनफॉर्चुनेटली फ्री फायर ने हमारे लगा दिए। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यूट्यूबर्स की तो कोई गलती है नहीं इसमें। तो अगर आप लोग फ्री फायर 2017 के प्लेयर हो तो यार मैं आप लोगों को पर्सनली आप लोगों को पता होगा कि यार जो फ्री फायर में पहले जो मज़ा आता था अब वो मज़ा नहीं है, अब वो क्रेज़ नहीं रहा, क्योंकि वो क्रेज़ जो है ना अभी वो पूरी तरीके से बंद हो गया है सिर्फ हमारी गलतियों की वजह से। एंड वो कौन सी गलती है मैं आप लोगों को बता दूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार आप लोग जितना ज़्यादा अपना टॉप अप करोगे उतना फ्री फायर के डिमांड बढ़ेगी एंड जितना डिमांड बढ़ेगी उतना गेम जो है ना वो पैसे में कन्वर्ट होगा। एंड मैं हमेशा यही चीज़ आप लोगों को समझाएं, बट आप में से बहुत से लोग यानी 60 से 70% लोग ये मेरी बात समझते नहीं है। यार आप लोग अपना देखो, ठीक है, ये जो गेम था ना पहले, यार पहले स्किल्स के ऊपर डिपेंड था, लेकिन अब पूरा का पूरा गेम जो है ना वो अपने पैसों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों का जीतने का चांसेस है। तो वेल मैं क्या ही बोल सकता हूँ इसके पीछे, आप लोग ही मतलब फ्री फायर को जो है आप लोग ही बदनाम करने के पीछे पड़ो एंड बाद में खुद ही बोलोगे यार कि फ्री फायर यार इसके साथ कोलैबोरेशन कर दिया, इसके साथ पार्टनरशिप है इसकी वगैरह वगैरह बोल के फिर इंडिया में बैन हो जाएगा फ्री फायर मैक्स भी, तो आप लोग फिर बोलोगे कि यार इसमें फ्री फायर मैक्स की गलती है। तो भाई गलती करा रहा कौन है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि यार बहुत से रेयर बंडल आते हैं जो कि यार फ्री फायर जानबूझ के पैसे में देते हैं ताकि उसका खुद का प्रॉफिट हो, तो भाई एक लिमिट तक होता है, एक लिमिट तक टॉपअप समझ में आता है। बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, पैसा चोरी करके टॉपअप करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, तो भाई वो तो बिल्कुल इलीगल है। एंड अगर ऐसा चलता रहा है तो फिर भाई आप लोगों को पता है पेरेंट्स कैसे होते हैं, अगर केस गलती से भी कर दिए फ्री फायर पे तो इंडिया में वापस फ्री फायर मैच के बैन होने के बहुत चांसेस हैं। एंड आप लोगों को पता है अभी पेटीएम पेमेंट बैंक का भी अभी सीन हो गया है, 25 फेब से अभी पेटीएम पेमेंट बैंक भी नहीं चलेगा, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो विदाउट एनी प्रूफ के आप लोग टॉपअप नहीं कर पाओगे, तो आप लोग क्या करोगे। अगर आप लोग टॉपअप की तलब लग गई तो जैसे कि यार हाँ हर चीज़ की एक तलब लग जाती है, अगर आप लोगों को टॉपअप की लगे तो यार आप लोग ऐसा नहीं कर पाओगे। अभी आप में से बहुत से लोग ऐसा बोलोगे कि यार ये हमें समझा रहा है एंड खुद टॉपअप मारता होगा, तो भाई लिटरली मैं आप लोगों को बताऊँ मेरी आईडी 4 महीने से ऑफलाइन थी फ्री फायर की, क्योंकि मैं 4 मंथ से फ्री फायर को एकदम से क्विट कर दिया था एंड मेरे को वापस इसलिए आना पड़ा क्योंकि मेरे को बहुत सारे मतलब कम्युनिटी में मैंने पोस्ट डाला था तो उस पर मेरे को डिमांड आई कि भाई फ्री फायर से रिलेटेड भी वीडियो बनाओ, यार फ्री फायर से रिलेटेड वीडियो बनाओ। तो मैंने एक सब्सक्राइबर का कमेंट देख के यार मैंने सोचा कि एक बार फ्री फायर ट्राई करके देखता हूँ। हाँ इतना भी बुरा नहीं हुआ है, मतलब अभी भी फ्री फायर अपने आप को बैकअप कर सकता है, लेकिन तब जब हम खुद बैकअप कर रहे हैं, ठीक है। तो जो गेम है हमारा, जो गेम है फ्री फायर, वो सिर्फ हमारे हाथों में, ना कि पूरा का पूरा फ्री फायर कम्युनिटी एंड फ्री फायर के मतलब जो डेवलपर्स हैं उनके हाथ में नहीं है। बहुत मतलब 50 से 40% होल्डर्स हम खुद हैं, क्योंकि हम खुद फ्री फायर खेलते हैं। अगर हमारा एक्टिव यूज़र जो है हम खुद हैं, तो एक्टिव यूज़र अगर रहेगी ही नहीं तो फ्री फायर चलेगा कैसे। अगर फ्री फायर चलेगा नहीं तो सर्वर
सर्वर नहीं चलेगा तो आप लोग को पता है फ्री फायर का पैसा नहीं चलेगा, एंड फ्री फायर का पैसा नहीं चलेगा जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी उन लोग की सब बर्बाद जाएगी। एंड भाई उन लोग को छक मरा के फ्री में देना पड़ेगा कोई भी आइटम जो कि वो लोग डायमंड में दे रहे हैं। तो आप लोगों को सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि यार हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा रेयर है, अगर आप लोगों को वो चीज़ ज़्यादा पसंद आई है तो यार ठीक है, लिमिट में टॉपअप ठीक है, लेकिन यार लिमिट से ज़्यादा यार बहुत से लोग कैसे होते हैं कि यार एक ही बार में 5,000-10,000 डायमंड का टॉपअप मारते हैं। तो भाई ऐसा अगर आप लोग करना चाहते हो ना तो फ्री फायर मैक्स भी जाएगा और उसके साथ साथ आपके पैसे भी जाएंगे। तो आज ही से मन में ठान लो कि यार हमें टॉपअप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यार टॉपअप करने से ही हमारे फ्री फायर जो है ना मतलब बैन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। हाँ, मैं हर गेम की बात कर रहा हूँ, ना कि खाली फ्री फायर मैक्स की। अगर आप लोगों को यार कोई भी गेम बनाना है मतलब बचाना है, जो भी आप लोग गेम खेलते हो, यार मैं बात करने में मतलब थोड़ा यार मतलब खोखला रहा हूँ, क्योंकि यार बहुत टाइम से यार वीडियो मैंने नहीं बनाया है, तो यार मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, लेकिन जो भी बोल रहा हूँ उसको यार आप लोग थोड़ा ध्यान से समझो, फिर जाके आप लोगों को समझेगा कि यार हाँ फ्री फायर क्यों बैन हुआ। मतलब अचानक से यार मतलब चाइनीज़ कंपनी को फ्री फायर पार्टनरशिप में क्यों ले लिया, अब इसका आंसर आप लोग खुद समझो। एंड में जो वीडियो में समझा रहा हूँ आप लोग अगर समझ गए होगे तो आप लोग खुद ब खुद समझ जाओगे कि यार फ्री फायर मैक्स का क्या हालत होने वाला अगर हम ऐसा करते रहे। सो आई होप बडीज आप लोग ये वाला वीडियो पसंद करे होगे, एंड क्यों पसंद करे होगे, क्योंकि मैंने इसमें आप लोगों को एकदम अच्छे से समझाया कि यार फ्री फायर मैक्स के क्या नहीं करना चाहिए हमें, जो कि फ्री फायर मैक्स के ऊपर हार्मफुल रहे हैं, हमारी आईडी के ऊपर भी हार्मफुल रहे हैं। ऐसा तो कोई प्लेयर आप लोग को मिलने वाला नहीं जो आज तक फ्री फायर से रिलेटेड एक रुपए भी नहीं लगाया। लिटरली आप लोग जितना टाइम स्पेंड किए हो ना, समझ लो एक मिनट का एक रुपए भी अगर आप लोगों ने स्पेंड किए हो, मतलब समझ लो एक मिनट को आप लोग एक रुपए में कन्वर्ट करके भी देखो तो आप लोगों ने कितना रुपए अपना खर्च कर लिया है फ्री फायर से पीछे। तो आप लोग खुद ही दिमाग लगाओ, ठीक है, आप लोगों ने टाइम पास में किया हो या फिर सीरियसली किया हो या फिर अपनी आईडी बढ़ाने के लिए किया हो या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए किया हो, आप लोग अपने टाइम को भी यार थोड़ा कीमती रखो। जैसे कि एक रुपए को एक मिनट से कन्वर्ट करके देखो तो आप लोग सोचो आप लोगों ने कितना पैसा अपना वेस्ट किया है फ्री फायर से रिलेटेड। तो मैं यही बोल रहा हूँ आप लोगों को कि यार आप लोग अपना जितना भी टाइम वेस्ट करते हो उतना टाइम आप लोग अपने करियर पे भी फोकस दो। जैसे कि यार आप लोग पूरा दिन अगर आप फ्री फायर खेलोगे एंड भाई टॉपअप भी सब करोगे तो यार हो गया आप लोगों का काम, आप लोग कुछ नहीं कर पाओ। भाई मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ सीरियसली, तो भाई अगर आप लोगों को अगर मैं गलत लग रहा हूँ तो यार आप लोग ये चैनल छोड़ के जा सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को मैं सही लग रहा हूँ तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे को सब्सक्राइब करने का बोलना नहीं पड़ेगा। एंड आई होप्स मेरे को अभी भी नहीं बोलना पड़ेगा, आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया रहेगा, क्योंकि यार मुझे पता है मेरी ऑडियंस जो है ना बहुत अच्छी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय टाटा, सी यू, टेक केयर माय फ्रेंड्स। एंड अगला वीडियो का टॉपिक आप लोग कमेंट में जरूर बताना।